हेलो एवरीवन, तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ असुर के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आइए बढ़ते कहानी की ओर। तो अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है शुभ के बचपन के कैरेक्टर को, जो कि वाराणसी में वो व्यतीत कर रहा होता है। अब वो एक साधु के पास जाता है अपने दो दोस्तों के साथ। अब उस साधु के पास जाके वो उसके साथ कुछ बातें करता है, आत्मा परमात्मा हमारे जीवन से रिलेटेड। तो साधु कहता है कि तुम हमारे इस ग्रुप में शामिल हो सकते हो, हम साधु संत बाबा हैं। तो वो भी उनके साथ शामिल होने के लिए अपनी वहाँ पर जगह बना लेता है। अब जगह बनने के बाद वो अपने दो दोस्तों को वहाँ से बाहर भेज देता है नदी के रास्ते से, और उससे कहता है कि अब यहीं तक हमारा सफर था, जल्दी शीघ्र मुलाकात होगी, जब तक अपने काम पे फोकस करना, हमारा मिशन एक ही है और ये युद्ध हमें जीतना ही है। मतलब वो चाहते हैं कि कलयुग का अंत हमारे हाथों से होगा। सो अब वो साधु के साथ रहता है, जहाँ पे वो साधु उसका नाम पूछता है, जहाँ पे वो कहता है कि इस कलयुग के दौर में मेरा कोई भी नाम नहीं है, मैं एक सन्यासी हूँ। फिर वो उसको एक नाम देता है जो नाम होता है सर्वानंद। जी हाँ, वो साधु उसको सर्वानंद नाम से पुकारता है और ये उसको नाम दे देता है, नामकरण करता है। तो भाई हर जगह यही न्यूज़ होती है, हर मोबाइल फ़ोन में, हर टीवी में एक ही न्यूज़ चल रही होती है, एक ही भयानक न्यूज़ कि एक साथ तीनों बंदों को मार डाला उस राक्षस ने, वो भी पुलिस के होते हुए, सीबीआई के होते हुए, उनके मुंह पे, उन्हीं के सामने, उनको सजेस्ट करके कि इस टाइम पे इन तीनों को मारूंगा। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ होती है पब्लिक को भड़काने के लिए। सो भाई अब हर जगह ये न्यूज़ चल रही होती है, जिसकी वजह से सीबीआई बहुत ही प्रेशर में होती है और पुलिस वाले बहुत ही प्रेशर में होते हैं। अब वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा क्या है कि वो एक ही टाइम पर तीनों को मार सकता है, किस चीज़ का यूज़ करके उसने ऐसा किया है। फिर निखिल बॉडी को चेक कर रहा होता है, का फोरेंसिक डिपार्टमेंट से होता है, तो वो बॉडी का चेकअप करता है। अब वो एक बॉडी को चेकअप कर रहा होता है तो वो उसमें से एक पीस मेकर निकालता है। फिर वो सोचता है कि पीस मेकर का क्या यूज़ हो सकता है जिससे एक इंसान की डेथ हो सकती है, और वो फिर वो बाकी दो बॉडीज़ को भी चेक करने के लिए कहता है कि क्या इसका भी उनसे कोई कनेक्शन है। फिर उन्हें पता चलता है कि उन दोनों बॉडीज़ के अंदर भी एक पीस मेकर था। अब वो उस पीस मेकर को चेक कराने के लिए एक बंदे के पास लेकर जाता है जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है। वहाँ से वो बंदा उसको चेक करता है तो वो बताता है कि खाली एक पीस मेकर के तौर पर यूज़ नहीं होता, एक तरह का डिफेबिलेटर होता है। डिफेबिलेटर एक ऐसा यंत्र जिससे हम किसी भी इंसान के हार्ट बीट को बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। और उस पीस मेकर के अंदर एक रेडियो चिप भी होती है जिसको एक बंदा 250 फुट की दूरी से एक्टिवेट और अनएक्टिवेट कर सकता है। अब वो एक स्विच दबाता है तो हार्ट बीट बंद हो जाती है, इसकी वजह से वो इंसान मर जाता है। अब ये पीस मेकर उन तीनों की बॉडी में था और इसी तरीके से उसने एक साथ तीनों बंदों को मार डाला। ये बात पता चलने के बाद निखिल को समझ आता है कि किस तरीके से इनकी मौत हुई है और क्या कारण था। अब दूसरी तरफ वहाँ पे निखिल की वाइफ यानी कि नैना और डीजे, जो कि धर्मशाला से वापस आ चुका है मदद करने के लिए इस केस को सुलझाने के लिए। अब डीजे और नैना स्वाति का पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ से है। स्वाति उनके घर की नौकरानी, जिसकी वजह से उनकी बेटी रिया की जान गई थी। अब वो उसका पता लगाते हैं तो उसके ठिकाने पर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो उसे देखते हैं कि वो उस असुर से बात कर रही होती है जो इन सब के पीछे का कारण है, जो ये सब मर्डर करवा रहा है, वो उसके साथ होती है। अब वो उनके घर पर जाते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं, उसको ड्रग्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं ताकि उससे सच्चाई खुलवा सके। फिर वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरा एक ही भगवान है, वो है असुर के बारे में वो बोल रही होती है। अब वो कहते हैं कि मैं तुमको कुछ भी नहीं बताने वाली। अब तभी एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है उस स्वाति के नंबर पर, तो वो उठाते हैं तो डीजे असुर से बात करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम जल्दी वापस आओगे और मुझे ये भी पता था कि तुमको ये पता चल जाएगा और मैंने जानबूझ के, और फिर वो उसको और गुस्सा दिलाता है जिस उसकी वाइफ से रिलेटेड बातें करके कि वो अपनी वाइफ के जुल में जेल में गया था, ऐसे ऐसे बातें करके वो उसको और ज़्यादा हाइपर करता है, गुस्सा दिलाता है। फिर तभी एकदम चाकू निकालता है डीजे और वहीं स्वाति को मार डालता है, और ये चीज़ें सुनने के बाद वो असुर फ़ोन काट देता है और फ़ोन को क्रैश कर देता है। फिर नैना डीजे से कहती है कि इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा एक मिशन है इस केस को सोल्व करना, क्योंकि इस केस की वजह से मेरी बेटी की जान गई है, तो मैं जी जान से चाहती हूँ कि हम उस असुर का पता लगाएं। फिर डीजे अपने एक लैब में जाता है, अपने एक इन्वेस्टिगेशन लैब में, जहाँ पे वो नैना से कहता है कि अगर हमें उस असुर का पता लगाना है, शुभ का पता लगाना है, तो सबसे पहले हमें इसके पास्ट पर जाना होगा, और इसका पास्ट है वाराणसी में, तो मैं जाऊँगा वाराणसी इसका पास्ट का पता लगाने, और तुम यहाँ पे रह के मेरे दी गई गाइडलाइंस का फॉलो कर, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट फ्यूचर से कनेक्ट होता है। और वहीं दूसरी तरफ निखिल सीसीटीवी कैमरे में चेक कर रहा होता है कि क्या आसपास उन तीनों विक्टिम्स के मरने वालों के कोई ऐसा बंदा है जो कि उस स्विच को ऑन या ऑफ करता हो जिससे कि वो फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हो या अनएक्टिवेट हो। फिर वो पता लग जाता है उसे एक बंदे का, उसको चेहरा दिखाई देता है सीसीटीवी कैमरे में। अब वो उसकी छानबीन करने लगते हैं कि वो है कौन, कहाँ से आया। और मैं दूसरी तरफ वाराणसी में जाता है डीजे, जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में जाता है, जिस पुलिस स्टेशन में तब आग लगी थी, तब शुभ अपने साथियों के साथ निकल के आया था। उसे पता चलता है कि शुभ के साथ दो और बंदे थे जो उसके साथ निकल के आए थे। फिर वो और इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको पता चलता है कि उन दो बंदों का नाम था, एक का नाम था ओम, दूसरे का नाम था जगदीश, और वो दोनों अब तक मारे जा चुके हैं।
लेकिन जो तीसरा बंदा है वो अब तक नहीं मिला था उसको, वो पता लगा था कि वो तीसरा बंदा कौन है। यही निखिल जो होता है वो भी इन्वेस्टिगेट करता है कि जिस आदमी का चेहरा उसको दिखाई दिया है वो आदमी है कौन। फिर थोड़ा हमें क्लू दिखाया जाता है इस एपिसोड के एंडिंग में कि हो सकता है वो तीसरा बंदा उन्हीं की CBI के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एक IT का बंदा हो जिसका नाम है रसूल। अब ओम और जगदीश तो मर चुके हैं और आखिरी सवाल DJ के जहन में जो आता है वो होता है कि अब बलवीर कौन है जो कि शुभ का तीसरा साथी है। अब यहीं पर हमारा दूसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अब इस वेब सीरीज़ के आप आगे और भी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आगे ऐसे ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।